कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हम सबके प्यारे हम सबके आदरणीय प्रशांत मोहन प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो स्पेशल थैंक्स टू हिज ग्रेस अमोघलिया प्रभु जी दैट उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है बोलने का। अयोग्य होते हुए भी योग्य समझने की कला केवल हमारे अमोघलिया प्रभु जी के अंदर है, तो उन्हीं की कृपा से कथाएं चलती रहती हैं। यस्टरडे ओनली आई केम बैक फ्रॉम इस्कॉन आद्रा एंड 7 days कथा ऑन नरसिंह चरित्र। So we finished yesterday, we came back, and today you gave the opportunity for Ram Katha. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Raja Ram, Jai Raja Ram. Raja Ram, Jai Raja Ram. Jai Ram, Jai Ram, Sita Ram. Oh, Jai Ram, Jai Ram, Sita Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram. Ayodhya Vasi, Jai Shri Ram. Oh, Dashrath Nandana, Jai Shri Ram.
कौशल्यानंदन जय श्री राम ओ जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान जय जय रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश जय रुक्मणी द्वारकाधीश जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपा 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 जय जय प्रभुपा गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की पतित पावन जगत गुरु शिल प्रभुपाद की राम नवमी महा महोत्सव की श्री राम जन्मोत्सव की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस विशेष कथा में जो भगवान श्री राम जन्म के ऊपर करी जा रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः रामं रामनजं सीतां भरतं भरत आनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः वेद वैदे परे पुंसि जाते दशरथ आत्मजे वेदः प्रचेता सदासीत् साक्षात् रामायण आत्मनः वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर दिवस भगवान राम का जन्म। कई बार लोग इस्कॉन डिवोटीज को क्वेश्चन करते हैं, आप केवल कृष्ण पूजा करते हैं? तो भक्त कहते हैं नहीं नहीं, हम कृष्ण पूजा भी करते हैं और राम की पूजा भी करते हैं। तो आपके मंदिरों में राम जी की मूर्ति तो होती नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मंदिरों में राम जी की मूर्ति होती है। हमारे इस्कॉन दिल्ली के मेन टेम्पल में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी विराजमान है। तो जब ऐसा देखते हैं तो कुछ लोगों की विचारधारा होती है कि राम जी का भजन करने से आपकी कृष्ण भक्ति की एक निष्ठा के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। भाई कहते हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा एक निष्ठ होना चाहिए, बहुशाखा अनंतश्चाया बुद्धि अवसायिनाम। बहुशाखाओं में तो उसकी बुद्धि होती है जो कृष्ण भावनाभावित नहीं होता है, जो कृष्ण भावनाभावित है उसकी बुद्धि तो एक में होनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद भी भगवद्गीता में लिखते हैं 18वें अध्याय के 65 नंबर श्लोक में कि व्यक्ति को सदा ध्यान करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के उस गोपाल स्वरूप में जिसमें भगवान बांसुरी पकड़ते हैं दो भुज वाले। तो ये धनुषधारी तीर वाले भगवान, इनका क्या, इनका ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हैं, करना चाहिए कि नहीं? तो देखिए हमारे आचार्यों ने लिखा है कि सच्चाई ये है, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अखिल रसामृत सिंधु। क्या नाम है? अखिल रसामृत सिंधु, यानी जिनके अंदर सभी रस विराजमान है। वात्सल्य भी है, माधुर्य भी है, साख्य भी है। तो भगवान के अंदर सभी द्वादश रस विराजमान, अखिल रस अमृत सिंधु, सारे रसों का सागर है भगवान कृष्ण के अंदर। तो कभी कभी भगवान के अंदर एक रस आता है जिस रस को कहते हैं मर्यादामयी रस, जो कि शिष्टाचार के सिद्धांतों का पालन करते हुए विस्मय और श्रद्धा में भक्ति देता है। तो ये है मर्यादामयी रस, और ये रस जो है ये भगवान श्री राम के अंदर व्यक्त होता है मर्यादामयी। और दूसरा होता है ऐश्वर्यमयी रस, जो कि हमें भगवान द्वारका की लीलाओं में देखने को मिलता है ऐश्वर्यमयी रस। और प्रेममयी रस वो हमें भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में देखने को मिलता है। तो ये सभी रस के अखिल रसामृत सिंधु तो कृष्ण ही है ना। फर्क इतना है कि भगवान कृष्ण जब होते हैं तो वो अपने 64 गुणों को व्यक्त करते हैं, पर जो वो राम स्वरूप में आते हैं तो 62.5 गुणों को व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें नहीं है, उनमें है लेकिन वो व्यक्त नहीं करते। जैसे भगवान कृष्ण का एक नाम है त्रियुगी, तीन युगों में भगवान आते हैं। सत्ययुग में क्या बनकर आते हैं? सत्ययुग में भगवान क्या आते हैं? कृष्ण बन के क्या आते हैं सत्ययुग में? हंस और नरसिंह और वराह। त्रेता युग में किस रूप में आते हैं? राम, केशव धृता राम शरीरा। जयदेव गोस्वामी ने लिखा केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता नरसिंह रूपा, केशव धृता शुकर रूपा। जयदेव गोस्वामी ने पूरा पद लिखा है। तो राम रूप में आए, द्वापर में बोले स्वयं कृष्ण ही आ गए, साक्षात भगवान ही आ गए द्वापर युग में। तो कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य रूप में आते हैं, हरि बोल। तो चतुर्युगी कहना चाहिए ना भगवान को, त्रियुगी क्यों कहते भगवान को? तीन युगों में तो चतुर्युग में कृष्ण नहीं आ रहे। बोले आप ही के शास्त्र कह रहे हैं कि त्रियुगी भगवान है, आप कहते चैतन्य भगवान है। आप ही के भागवत में लिखा है
सातवें स्कंद में भगवान त्रियुगी है, तो चतुर्थ युगी क्यों नहीं है? हाँ, भक्त रूप में आए हैं भगवान, भगवान बताना ही चाह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। भगवान भक्त रूप में आए, पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान भक्त रूप में आए इसलिए भगवान नहीं है, इसलिए काउंट नहीं किया जा रहा भगवान के रूप में, लेकिन है भगवान ही। तो ये कई सारे ऐसी गहरी चीजें होती हैं जो भक्तों को पता रहनी चाहिए। कई बार लोग प्रश्न पूछेंगे कि आप कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं फिर, तो फिर आप राम की क्यों करने लग गए? तो भगवान कृष्ण ने अपने ही भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए मत भक्तानाम विनोदर्थम करुतिम विविध क्रिया, भगवान अपने ही भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए अलग अलग रूप रखते हैं। वही कृष्ण और वही राधा रानी नीचे भगवान कृष्ण का स्वरूप राम जी बनकर आ गए, और वही सीता महारानी, वही राधा रानी सीता महारानी बनकर आ गई, उनकी हलादनी शक्ति अंतरंगा शक्ति। तो वहां पर वो कौन सा रस दिखा रहे थे दोनों? राधा कृष्ण प्रेममय रस। द्वारका में कौन सा दिखा रहे थे? ऐश्वर्यमय रस। और साकेत में कौन सा दिखा रहे हैं? मर्यादामय रस, क्योंकि अखिल रसामृत सिंधु तो कृष्ण है। एक बार शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, आप लोग राम की भक्ति नहीं करते हैं, रामायण नहीं लिखा आपने, आपने गीता लिखा, भागवत लिखा, चैतन्य चरितामृत लिखा, रामायण नहीं लिखा? प्रभुपाद जी बोले, आपने गीता पढ़ा? कह रहे हाँ पढ़ा। कह रहे फिर तुमको मालूम नहीं है कृष्ण ही तो राम हो गए? अगर तुमने गीता पढ़ा है तो तुमने रामायण पढ़ा है, कृष्ण ही तो राम हो गए। लेकिन इस पर इतना विवाद होता है वर्ल्ड में कि वो शिव भक्त है, वो राम भक्त है, वो कृष्ण भक्त है, वो राधा भक्त है। ऊपर अगर चलते चलाएंगे ना, तो जैसे एक पेन की नोक होती है, उसमें पीछे बहुत ब्रॉड होता है लेकिन आगे टिप नैरो हो जाती है, तो बहुत नीचे जब नैरो आगे चलेगा, एक ही भगवान है। राधा रानी भी नहीं है, एक ही भगवान है, कौन? कृष्ण। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को प्रकट करते हैं अपने आनंद के लिए, और फिर वही बाद में अलग अलग भक्तों की इच्छा अनुरूप विस्तार कर रहे हैं अपना। ये कोई ऐसा नहीं कि एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ऐसे। पेन पेन चलता जाए चलता आगे जाकर टिप एक ही रह जाती है, एक टिप होती है। तो ऐसे ही नीचे बहुत कुछ होगा लेकिन ऊपर टिप में एक ही है, कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु। वही अलग अलग भक्तों के आनंद के लिए अलग अलग रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो ऐसे हम देखते हैं, ऐसे भगवान जब इस धराधाम पर प्रकट होते हैं तो बहुत सारे संशय और लोगों में आते हैं। जैसे कि आज रामनवमी उत्सव है, भगवान राम का जन्म दिवस है, पर देखने में आता है बहुत सारे विश्व के लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं, नवमी बना रहे हैं। तो जो इस्कॉन के भक्त हैं वो लोग कहते हैं ये लोग ना पाखंडी हैं, ये लोगों को मालूम नहीं है। तो क्या देवी की पूजा शास्त्रिक है या नॉन शास्त्रिक है? क्या शास्त्र, कौन से शास्त्र में है? तो हमको पता रहना चाहिए सारी चीजों का, कि हम राम भक्ति क्यों करते हैं, हम कृष्ण भक्ति क्यों करते हैं। हम दुर्गा पूजा को निंदा नहीं कर सकते हैं, हम बता सकते हैं मायस्तेते हता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वो देवी की शरण में जाएंगे, ये बात ठीक है, लेकिन उनकी निंदा करना, पाखंड कहना वो गलत है। क्यों? ये लिखा है ब्रह्म वैवत पुराण के अंदर, ब्रह्म वैवत पुराण में आया श्लोक, पूजिता सुरेतना दो दुर्गा दुर्गति नाशित नहीं द्वितीया रामचंद्रेण रावणस्य वध अर्थनी। यानी कि दुर्गा माई प्रकृति है और भगवान श्री कृष्ण पुरुष है, तो भगवान कृष्ण पुरुष जो है उनकी दो प्रकृति, अंतरंगा प्रकृति भारंगा प्रकृति। अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, राम की अंतरंगा सीता महारानी, लेकिन भारंगा शक्ति इस दुर्ग की देवी, इस पूरे भौतिक जगत की देवी दुर्गा, दुर्ग की देवी दुर्गा। पूजिताम सुरेत नादो, ब्रह्मवेद पुराण में लिखा है सुरेत नाथ नामक राजा ने उनकी पूजा करी। दुर्गा दुर्गत विनाशिनी, दुर्गा जो है वो बहुत सारे भौतिक संसार के कलमशों का नाश कर सकती है। दुर्गा दुर्गति विनाशिनी। द्वितीय दूसरी बार सुरेत नर राजा के बाद रामचंद्रेण रावणस्य वध अर्थिनः, रावण का वध करने के लिए रामचंद्र जी ने भी उनकी पूजा करी। अब ये प्रश्न उठेगा, राम को क्यों देवी की पूजा करने की आवश्यकता पड़ गई? वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता
जहां पर राम जी ने देवी की पूजा करी हो। लेकिन कुछ पुराण ऐसे होते हैं जो पुराण तमोगुणी पुराण होते हैं, कुछ पुराण होते हैं जो रजोगुणी पुराण होते हैं, और कुछ पुराण होते हैं जो सतोगुणी पुराण होते हैं। जैसे एक पुराण है इसे उप पुराण कहते हैं, उसका नाम है देवी भागवत। तो कई बार लोग श्रीमद् भागवत को देवी भागवत से कंफ्यूज होते हैं कि देवी भागवत और भागवत एक ही चीज है। कहीं पर देवी भागवत की कथा चल रही होगी, कहेंगे हम भागवत सुन के आए हैं। आपने भागवत नहीं सुना, आपने उप पुराण सुना है। संपूर्ण पुराणों का सार है श्रीमद् भागवतम, लेकिन आपने रजोगुणी तमोगुणी पुराणों का भी उप पुराण देवी भागवत पढ़ लिया, और उस देवी भागवत में लिखा है कि राम जी ने देवी की पूजा करी, और उसी सिद्धांत को मान के दुनिया नवरात्रि की पूजा करती है। कि रावण ने शक्ति पाई थी देवी की, और उससे वह रावण बलशाली हो गया था, और रावण का एक भाई था अहिरावण, उसने भी देवी की पूजा करी 9 दिनों तक, और जब वो बलशाली हो गया तब विभीषण ने कहा, राम जी देखिए बलशाली हो गया, आपको भी जाना पड़ेगा देवी उपासना के लिए। तो राम जी ने कोई उपासना नहीं करी, जैसे भगवान राम ने रामेश्वर में शिव जी की कोई उपासना नहीं करी, शिव जी का सम्मान किया, देवी का सम्मान किया। सम्मान करना और उपासना करने में फर्क है। जैसे कोई भक्त मुझसे मिलने आए जो कि हमसे बाद इस्कॉन ज्वाइन किया हो, जिसको परंपरा में जूनियर डिवोटी कह सकते हैं, वैसे तो सारे भक्त बराबर हैं, लेकिन बाद में जिसने ज्वाइन किया उसको जूनियर, उसको सीनियर ऐसे कहते हैं। अब वो आए और मैं उसके सम्मान में अपनी माला निकालकर उसको वेलकम करूं, तो क्या मैं उसकी उपासना कर रहा हूं? तो ऐसे ही भगवान राम ने रामेश्वरम में शिव जी को अपनी माला प्रदान करके कहा, आपका एक भक्त है रावण जिसका वध करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? रावण बोला, शिव जी बोले, कैसी बात करते हैं प्रभु, जब आपकी शरण में नहीं गया तो इसको मार देने में कोई हानि नहीं है। तो भगवान राम ने बड़े प्रसन्न होकर के शिव जी के गले में ऑनर करने के लिए माला पहनाई। जैसे जो बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है टीचर उसके गले में मेडल पहनाती है, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि टीचर से ज्यादा ज्ञानी बच्चा हो गया, है ना? इसी प्रकार देवी को धन्यवाद देने के लिए राम जी गए थे। तो पूजिताम का मतलब खाली पूजन करने का मतलब शक्ति पाना नहीं होता है, पूजन का मतलब धन्यवाद देना भी है। वैष्णव पूजन का मतलब यह नहीं होता, जैसे अभी हमने प्रभुपाद गुरु पूजा करी तो क्या हमने भगवान बना दिया? क्या हमने भगवान बना दिया? हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति पर पूजन होता है। पत्नी भी करवा चौथ पर पति का पूजन करती तो क्या वो भगवान हो गया? माता पिता का पूजन मातृ दिवस पितृ दिवस पर किया तो क्या वो भगवान हो गए? क्या वो भगवान हो गए? गुरु का पूजन किया तो क्या गुरु भगवान हो गए? गुरु भगवान के समान है, माता पिता भगवान के समान है, देवी देवता भगवान के समान है, लेकिन भगवान केवल एक है, कृष्ण, कृष्णस्त भगवान। तो ऐसे प्रमाणों को हमें खंडन करना और समझना चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। अब देखिए रामायण यह भी बताती है कि ये जो रावण था भगवान राम के जन्म से पहले, अभी राम का जन्म नहीं हुआ, हम करेंगे आज, राम जी के जन्म से पहले एक जगह उधड़ंग मचाने गया था, उधम मचाते थे ना, तो असुर कुल का व्यक्ति था, इसके मन में भाव था कि उधम मचाऊं, तो इसने एक मंदिर को नष्ट कर दिया। जैसे राक्षसों की आदत होती है मंदिरों पर आक्रमण करते हैं, बड़े सालों बाद राक्षसों से मुक्त होकर हमें राम मंदिर अयोध्या में प्राप्त हुआ। तो राक्षस लोग मंदिरों को तोड़ते रहते हैं, तो इसने एक मंदिर तोड़ा था, वहां पर नरसिंह भगवान की मूर्ति थी, उसको लेकर ये अपने लंका में वापस आ गया। अब जब ले आया तो एक दिन इसने देखा ये क्या है, तो किसी ने कहा जो सुषेण वैद्य थे, जो अनेक राजा थे, अनेक साधु थे इसके लंका में, शुक्राचार्य आदि थे, बोले ये भगवान नरसिंह ये विष्णु है। अब ये तो विष्णु विरोधी था, ब्रह्मा और शिव का उपासक था लेकिन विष्णु विरोधी था। बोला अरे नरसिंह भगवान मेरी लंका में कहां से आ गए, इनको निकालकर फेंक दो समुद्र में। तो उनको शुक्राचार्य ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं राक्षसों का, अगर नरसिंह को फेंक दिया तो ऐसी आग लगेगी कि हनुमान तो बाद में लगाएगा, पहली लंका जल जाएगी।
शुक्राचार्य जान रहे, बोले हनुमान के आने से पहले ही कांड हो जाएगा, अभी राम तो प्रकट भी नहीं हुए। बोले नरसिंह का क्या करे, बोले कोई पुजारी लगाओ। नरसिंह पूजा का एक नियम है, या तो आते नहीं है, आते हैं तो बिना जलाए जाते नहीं है, बिना जलाए नहीं जाते। और ये बात बिल्कुल पक्की है, जितने जितने लोगों ने नरसिंह मूर्ति रखी है उन लोगों को सबको ऐसा अनुभव होता है कि अगर उसकी उपासना ना हो तो वहां पर उग्र नरसिंहा आग लगा देते हैं, और ये उनका प्रमाण होता है कि मैं इस शिलाखंड में विराजमान हूं। भगवान की सिद्धि अणिमा सिद्धि, जिससे भगवान इतने सूक्ष्मतर होते हैं कि पत्थर शिला पाषाण में प्रवेश करके उसे जीवंत बना देते हैं, जिसे हम आर्चा विग्रह कहते हैं। ये भगवान की अणिमा सिद्धि है। भगवान में 18 सिद्धियां संपूर्ण मात्रा में विराजमान है। संसार के लोगों में अष्ट सिद्धियां होती हैं और वो भी अल्प मात्रा में होती हैं। भगवान श्री कृष्ण में कितनी है, 18 सिद्धियां हैं और वह भी संपूर्ण मात्रा में, 100%। श्रीमद भागवतम 11वां स्कंद इसका प्रमाण है, लिखा है 18 सिद्धियां। हनुमान जी में कितनी है, अष्ट सिद्धि, लेकिन कृष्ण में कितनी है, 18। और भगवान कृष्ण के भक्तों में कितनी होती है, 18, लेकिन अल्प मात्रा में 18। तो एक साधारण सिद्धि व्यक्ति में कितनी होती है, 8, अब अभी अल्प मात्रा में। किसी एक में वह थोड़ा तेज हो सकता है कि मैं तुम्हारे बारे में बता सकता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन इससे वह भगवान नहीं हो गया। श्री श्री रुक्मण द्वारकाधीश की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौर निताय की जय। तो विभीषण को सेवा दी गई कि तुम नरसिंह भगवान की आरती करो प्रतिदिन। अब नरसिंह आ जाए पूजा न करें तब भी आक्रमण करेंगे नरसिंह। तो विभीषण जी रोज नरसिंह की पूजा करते थे। अब कई लोग जो रामायण सुनते पढ़ते हैं वो कहेंगे ये तो फालतूगिरी है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कहां लिखा है ऐसा। तो हम जब भी भागवत करते हैं, कथा करते हैं, बिना प्रमाण के चर्चा नहीं करते। और इसीलिए संसार में अनेकों कहानियां लोगों ने सुनी है लेकिन प्रमाणिक कथाओं को लोग नहीं जानते। और स्कॉन के डिवोटीज का यही प्रण है कि जब भी बोलेंगे तो प्रमाणिक कथा बोलेंगे। तो हनुमान जी ये जानते थे कि रावण के पास नरसिंह की उपासना होती है, इसलिए तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, मसक समान रूप कपि धराई लंका चलहु सुमरहु नरहरि। क्या लिखा है, मसक समान रूप कपि धरई, मच्छर जैसा रूप भगवान ने बनाया हनुमान जी ने, और फिर क्या चले, लंका चलहु सुमरहि नरहरि। किसकी सुमरण किया, नरहरि। नरहरि कौन है, आप रोज बोलते हैं केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश, ये प्रमाण। लंका चलहु सुमरहि नरहरि, राम का स्मरण क्यों नहीं किया, वो तो राम भक्त है ना। लंका चले सुमरहि राम, लेकिन क्या लिखा है, सुमरहि नरहरि। नरसिंह भगवान का स्मरण करके चल रहे, कौन नरसिंह कौन, बोले पता है रावण की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो केवल नरसिंह कर सकते, उनके यहां पर नरसिंह विराजमान। हनुमान जी को मालूम है ये बात के बारे। तो इसलिए राम जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत है। आज जैसे रामनवमी पर बहुत सारे लोग भंडारा कर रहे हैं, है ना, अब लोगों को मालूम ही नहीं है, कुछ लोग राम जी का व्रत नहीं करते। रामनवमी बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, कंजक पूजन हो गया, पूड़ी कचौड़ी बांट दी, अब बहुत बड़ी कृपा हो गई। कृपा है लेकिन एक रुपए की कृपा है। अगर व्रत करेंगे तो 100 रुपए की कृपा, आप कौन सी कृपा पाना चाहेंगे, 100 रुपए की 1 रुपए की, दुनिया कौन सी बटोर रही है, एक 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 एक, एक रुपया बटोरते बटोरते 100 जन्म लगेंगे। एक जन्म में नवरात्रि पूजन किया तो 1 रुपया मिला, पूरा जीवन किया तो 1 रुपया, और 100 जन्म किया तो, लेकिन एक जन्म में अगर रामनवमी का व्रत कर लिया तो 100 के 100 रुपए उसी जन्म में मिल जाएंगे। आप कहेंगे प्रभु जी इसका कोई प्रमाण है, तो हरि भक्ति विलास में अगस्त संहिता से एक श्लोक दिया गया है जिसमें वो कह रहे हैं, अगस्त संहिताम चैत्र मासे नौमीम तु, यानी चैत्र मास की नौमी तिथि जो आती है, शुक्लयम ही, यानी शुक्ल पक्ष की, दो पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्लयम ही
रघुदाव है, रघुनंदन भगवान जो राम है, प्रदुरासत पूर्ण ब्रह्म, जो पूर्ण ब्रह्म आज के दिन प्रकट हुए हैं, पर ब्रह्म केवलम तस्मिन दिने, तो इस दिन में क्या करना चाहिए, कर्तव्यम उपवासम व्रत आदिकम। एक कर्तव्य है हर आदमी का, कर्तव्यम उपवासम व्रत आदिकम, व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। व्रत शब्द का अर्थ क्या है? बोले व्रत शब्द का अर्थ है कि पूरा दिन गेहूं अन्न चावल से, जैसे एकादशी में दूर रहते हैं, रहना चाहिए। व्रत आदिकम ये व्रत है, और व्रत साइंटिफिकली भी हमारे शरीर को बहुत शांत बनाता है। उपवासम, उपवास का मतलब है राम जी की कथाओं में बैठे रहो, राम भजन में आज के दिन लगे रहो, ताकि पूरे के पूरे 100 रुपए आपको मिल जाए। तो ये बात 14th विलास, 14वें विलास, हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, फुल डे फास्टिंग। कहां लिखा है? फुल डे फास्टिंग। स्टिल डिवोटीज इन इस्कॉन ऑल्सो नॉट फॉलो फुल फास्टिंग। कोई बोलता है हमारे यहां तो ये बोलते हैं, हमारे यहां ये बोलते हैं। कहां लिखा है? हरि भक्ति विलास में लिखा। अब आपके ऊपर है, आप शास्त्र फॉलो करना चाहते हैं या आप अपनी मर्जी से चला जाते हैं, या आप अपने गांव देहात को मानना चाहते हैं, लोक कथाओं को मानना चाहते हैं। फुल डे का मतलब होता है सनराइज टू सनराइज, एक दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक। कंप्लीट फास्टिंग विद प्रायर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाउज एन इंडिविजुअल विल टेक द संकल्प। हर व्यक्ति को कुछ संकल्प मंत्र बोलना चाहिए कि अब एक दिन मैं राम जी आपके लिए गुजारूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। इस भाव से इस व्रत को रामनवमी उपवास व्रत कहते हैं। अब जो लोगों ने बनाया है अहि रावण की तरह, जो असुरी भाव को बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग नवरात्रि करेंगे और एक एक रुपया पाप पाएंगे, दो माताओं बच्चियों को रोटी की पूड़ी खिला करके सोचेंगे हमने बहुत बड़ा कर्तव्य कर लिया। लेकिन आज के दिन राम कथा का दान करो, राम नाम का जाप करो, राम कथा का श्रवण करो, राम जी के दर्शन करो, राम जी के बारे में चिंतन करो, राम महिमा के दिन अपने बच्चों अपने परिवार को बताओ, और आज के दिन अन्न से दूर रहो, तो राम जी की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है समाज में, कि लोगों के पास ना शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, और इसलिए अपने मनमाने ढंग से चीजें बोलते हैं। जैसे राम कथा के ऊपर लोग बोलते हैं, कि वाल्मीकि जो थे वो पूर्व जन्म में एक डाकू थे। कितने लोग बताते हैं इस बात को? आपको नहीं मालूम? कितने लोगों को मालूम है वाल्मीकि एक रत्नाकर डाकू थे? आज खड़ा करिए ना, अगर दिया ठाकुर जी ने, वेरी नाइस। तो वाल्मीकि जी को रत्नाकर डाकू बताते हैं। ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान है, और हम कहते हैं हम भक्त श्री राम जी के। राम मंदिर आएगा, जीवन बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। जब आप एक संत को डाकू बोलोगे तो क्या ही आपका भक्ति है? तो बिल्कुल गलत है। रत्नाकर वाल्मीकि डाकू थे, ये प्रसंग ठीक है, परंतु जिन्होंने रामायण लिखा वह वाल्मीकि डाकू नहीं थे। फिर आप कहेंगे इसका क्या प्रमाण है? तो प्रमाण के बिना हम कोई बात करते नहीं है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है जिसमें स्वयं वाल्मीकि जी इस बात की स्थापना करते हैं और कहते हैं, सीता जी अगर मेरे आश्रम में रह के आई है और लवकुश श्री राम आपके पुत्र हैं और मैंने वाल्मीकि रामायण आपके जन्म से पहले लिख दिया था, केवल सीता का धरती में जो जाना है यह प्रसंग मैंने नहीं लिखा है ताकि मैं लवकुश को बता सकूं कि तुम्हारा यह सब था, तो मैंने यह सारा कुछ प्रस्तुत किया है, तो राम जी की सभा में लवकुश और सीता की पवित्रता को स्थापित करने के लिए वाल्मीकि जी ने एक श्लोक बोला, प्रचेतो सो अहम दशम पुत्रो राघव नंदन न स्मार्यम नतम वाक्यम इमं तु तव पुत्र को मनसा कर्मणा वाचा भूत पूर्व न किल भिषम तस्याहम फलम नाशामी अपापो मैथली यदि। कितनी बड़ी बात कह दी, मनसा वाचा कर्मणा भूतपूर्वम न किल विषम। मां सीता ने ना तो कभी मन से, ना कभी वचन से,
ना कभी कर्म से प्रभु राम आपके अलावा किसी का चिंतन किया है। उनके मन में वंश मात्र भी कभी पाप नहीं आया। तस्यम फल नाशामी, अगर यह बात गलत हो कि सीता पवित्र नहीं है तो सभी सभा के सामने मैं पढ़ लेता हूं कि वाल्मीकि ने जितनी भक्ति करी है फल नाशामी, सारी भक्ति का फल अभी नष्ट हो जाए। अपाप मैथिलीम, यदि अगर मैथिली यानी सीता अगर अपाप है, उसको कोई पाप नहीं है, तो अभी के अभी सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। मेरी भक्ति अगर है सीता शुद्ध तो बच जाएगी, और सीता में अगर पाप होगा तो मेरी भक्ति अभी खत्म हो जाएगी। क्यों? प्रचेतो सो अहम दशम पुत्रो, मैं किसका पुत्र हूं? प्रचेता का पुत्र हूं। राघव नंदन हे रामचंद्र, ना स्मर्यामी नित्यम वाक्यम तुतप पुत्र को, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। और आपकी सीता शुद्ध है, इस बात को प्रमाणित करता हूं। मैं प्रचेता वरुण का पुत्र हूं। किसका पुत्र हूं? प्रचेता वरुण का पुत्र हूं। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में लिखा। आप बताओ वाल्मीकि जब खुद ही कह रहे हैं मैं प्रचेता का पुत्र हूं, तो रत्नाकर की कहानी कहां से आ गई? अब और सुन लो, टीवी देखोगे तो कैसे कृष्ण भक्ति होगी? पढ़ने का टाइम नहीं। आज भी अभी जैसे फ्री होंगे सब भाग जाएंगे इधर उधर, जब तक अटका के रखेंगे भागवत में तो अटके रहेंगे बेचारे। जिस टाइम छोड़ेंगे तभी भाग जाएंगे। क्या वापस जाकर दोबारा वाल्मीकि रामायण खोजने की कोशिश करोगे कि प्रभु जी ने झूठ तो नहीं बोल दिया, चलो चेक कर लें एक बार? गुरु साधु चेक करोगे जाके लिखा कहां है? प्रचेतो सो हम दशम पुत्र रघुनंदन, गूगल में सर्च कर लेना, आजकल ऑनलाइन है, मिल जाएगा श्लोक। तो ये कहानी बिल्कुल गलत है कि रत्नाकर जी वाल्मीकि थे, पहले तो यही ठीक होना चाहिए। तो ये रत्नाकर की कहानी कहां से आ गई? बताते हैं कि महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण रहते थे और वो भगवान के बड़े भक्त थे। उनका नाम था शिव भट्ट और उनकी पत्नी थी सती। शिव भट्ट और सती ने बड़ी भक्ति करी तो भगवान ने कृपा करके उनका पुत्र प्रदान किया। उस पुत्र का नाम था नागेश भट्ट। तो नागेश भट्ट ने अपनी एक टीका लिखी भगवान राम के ऊपर। अनेकों टीकाएं लिखी गई हैं। कितनी टीकाएं हैं पता है राम जी के ऊपर? राम जी के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर भगवत रामायण लिखी गई है। रामायण शत कोटि अपारा, शत कोटि, कोटि मतलब करोड़ और शत मतलब 100 करोड़ रामायण लिखी गई है। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण शत कोटि अपारा। तो जब शत कोटि रामायण है तो आप तो कंफ्यूज हो ही जाओगे कौन से कौन सा आया है। तो तिलक टीका में नागेश भट्ट जी ने लिखा है एक काल में 2 वाल्मीकि हुए हैं। एक वाल्मीकि जो प्रचेतास पुत्र वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, बचपन से ही साधु थे और इन्होंने पहला पूरे वैदिक जितने भी वैदिक श्लोक हुए भागवत से भी पहले रामायण त्रेता युग में जब आया, 24वीं मन्वंतर में श्री रामचंद्र जी आए, ये 28वीं चल रही है, 24वीं मन्वंतर के त्रेता युग में जब राम आए उनके जन्म से पहले ही वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षियों को देखकर राम कथा लिखी थी। तो पहला श्लोक जो वैदिक काल में लिखा गया अनुष्टुप छंद में, वह श्लोक वाल्मीकि जी के द्वारा ही लिखा गया। तो जब वाल्मीकि जी पहले ही लिख दिए तो डाकू कब बन गए वो? तो तिलक टीका में वो लिखते हैं कि एक काल में 2 वाल्मीकि हुए। एक वाल्मीकि जो थे वो प्रचेता पुत्र वरुण के पुत्र वाल्मीकि बचपन से ही थे और दूसरे एक रत्नाकर डाकू की कथा भी उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं वो जो रत्नाकर डाकू थे उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उनका नाम वाल्मीकि नहीं था, वो रत्नाकर थे। और रत्नाकर डाकू नारद जी की कृपा से साधु बन गया था और साधु बनने के कारण उन्होंने नाम जब प्रारंभ किया, लेकिन नारद जी ने कहा राम बोलो तो वो मरा मरा बोलता था, मरा 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 मरा, क्योंकि उसने जीवन भर मारकाट करी थी। तो एक वाल्मीकि जो बचपन से ही श्लोकों को प्रकट किए संत थे और एक वाल्मीकि जो बचपन से ही मारकाट किए, दो अलग है, तो दोनों अलग अलग वाल्मीकि है। तो उस ये वाल्मीकि कहां थे? बोले ये वाल्मीकि जो रत्नाकर थे नारद जी को मिले, उन्होंने ऐसा जप किया कि एक बहुत बड़ी दीमक लग गई, जिसे बामी कहते हैं ना, बामी, दीमकों की बामी, चीटियों की बामी। तो बहुत बड़ी दीमक लग गई, उस दीमक के अंदर से, उसे वाल्मीकि कहते हैं संस्कृत में, उस वाल्मीकि से प्रकट हुए
नारद जी ने देखा एक जगह है जहां से राम ध्वनि आ रही है, राम 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 राम। पहले मरा मरा बोलने वाला व्यक्ति लूप में बोलने लगा, मरा 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 मरा, बोलते बोलते उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भाई संत समाना, ब्रह्म समाना, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। और राम राम ऐसा बोला कि उनकी चेतना में प्रभु राम का दर्शन होने लगा। तो जब नारद जी ने वो वाल्मीकि हटाया तो अंदर से ऋषि निकले, उनका नाम है वाल्मीकि ऋषि। लेकिन ये वाल्मीकि ऋषि चित्रकूट में रहा करते थे, और चित्रकूट में जब भगवान राम 11 वर्षों की लीला करने के लिए चित्रकूट पहुंचे तो वाल्मीकि जी से वहां मुलाकात हुई। लेकिन यह वाल्मीकि वो नहीं है जो अयोध्या के पास रहा करते थे, जिनके आश्रम में रही कौन, सीता मैया। तो ये दो वाल्मीकि हैं। कृष्ण नाम के दो व्यक्ति नहीं हो सकते, एक भगवान कृष्ण भी है और कितने सारे बच्चों के नाम कृष्ण होते हैं। अब एक काल में कोई कृष्ण हो जिन्होंने बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली हो, बोले हाँ वही भगवान थे, तो दोनों की लीला अलग है। जैसे गौतम बुद्ध को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है, एक सिद्धार्थ बुद्ध है और एक बुद्ध जो है जो भगवान बुद्ध है, दोनों का जन्म स्थान ही अलग है। भागवत में लिखा है भगवान बुद्ध का जन्म गया में हुआ, और हम कथा सुनते हैं सिद्धार्थ बुद्ध जो थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ गया में, जैसे बुद्धि गया कहते हैं, और उनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। तो दे आर टू बुद्धास। तो फर्स्ट बुद्धा केम एज लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध है, उनके 200 साल बाद एक बुद्ध है सिद्धार्थ, जिन्होंने बुद्ध की कृपा से उस वृक्ष के नीचे जहां उनका जन्म हुआ ज्ञान प्राप्त किया। जैसे आज निमाई पंडित भगवान चैतन्य का जन्म योगी ट्री है ना, आप गए मायापुर धाम, वहां पे एक वृक्ष है नीम का, उस नीम के वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, जिसे निमाई नाम पड़ा। अब वहां कोई व्यक्ति बैठ के भजन करे और बोले मैं भी निमाई हो गया नीम के नीचे, तो ये दो अलग है। तो ऐसे ही बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने उस बुद्ध वृक्ष के नीचे जाकर ज्ञान प्राप्त किया बुद्ध गया में। लेकिन जो भगवान बुद्ध है, जो आप लिखते हैं कि हमारे 24 अवतारों में एक अवतार है बुद्ध अवतार, भगवान बुद्ध, केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, ये बुद्ध वो बुद्ध नहीं है, तो कंफ्यूजन मत करिएगा। तो इस तरह से बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। रामायण में 7 कांड बताए गए हैं, कितने हैं, 7। पहला कांड बाल कांड, जिसे भगवान श्री राम के चरण कहा गया है। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, जिसे भगवान राम की जंगा कहा गया है। तीसरा कांड है अरण्य कांड, जिसे भगवान का कटी भाग कहा गया, कमर का हिस्सा। चौथा कांड है किष्किंधा कांड, जिसे भगवान का वक्षस्थल कहा गया है। पांचवा कांड है सुंदर कांड, जिसे भगवान की ग्रीवा गर्दन कहा गया, गला कहा गया। छठा कांड है युद्ध कांड, लंका कांड, जिसे भगवान का मुखमंडल बताया गया है, जिस मुख से अनेक राक्षसों को प्रभु खा गए, इसलिए लंका कांड भगवान का मुखमंडल है। और उत्तर कांड भगवान का मानस पटल है, उनका मन ऊपर का भाग। तो 7 कांड, जैसे भागवत के 12 स्कंद प्रभु राम के स्वरूप को प्रकट करते हैं, जैसे भगवत गीता के 18 अध्याय विष्णु पुराण में लिखा है भगवान के स्वरूप को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार रामायण के 7 कांड भगवान राम को प्रकट करते हैं। अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहते उत्तरकांड हुआ ही नहीं, बाद में जोड़ दिया गया। तो अगर भगवान राम के उत्तरकांड को उनका मानस पटल कहा गया वाल्मीकि जी के द्वारा, तो यानी कि ऊपर का भाग काट दो राम जी का और केवल मुखमंडल तक उनको स्वीकार करो, तो यह बात सही है गलत है? लेकिन ऐसा लोग नहीं सोचते। रामायण शब्द का अर्थ है राम आयन, आयन यानी जैसे नर आयन नारायण, जो नीर के अंदर वास करते हैं उन प्रभु का नाम है नारायण, जल में वास करने वाले भगवान, नीर में वास करते हैं इसलिए नारायण, और जहां राम वास करते हैं उसका नाम रामायण। इसलिए रामायण को सिर पर लेकर चलना चाहिए, जमीन में नहीं रखना चाहिए, जहां राम वास करते हैं, राम आयन, आयन यानी जहां वास करते हैं। अब रामायण को पुस्तक समझ के अलमारी के नीचे पटक देना और धूल लगते रहना, यानी आप खुद चाहते हैं राम आपके जीवन से चले जाए, और फिर झंडा लगाना जय श्री राम, तुम्हारा हो जाएगा काम तमाम।
क्योंकि तुमने नहीं दिया सम्मान श्री राम को सही रूप से। भागवत पर लोग जमीन में रखते हैं, भागवत पर चाय पी लेते हैं, भागवत के ऊपर फोन रख देंगे, पानी रख देंगे, पुस्तक समझ करके पेंसिल बॉक्स रखा रहेगा, मोबाइल रखा रहेगा पुस्तकों के ऊपर, पुस्तकों के पेज फटे रहेंगे, और फिर कहते हैं प्रभु जी भागवत पढ़ते हैं समझ नहीं आती है, तुमने हरकत क्या कर रखी है। रामायण का अधिक सम्मान होना चाहिए, भागवत का अधिक सम्मान होना चाहिए, तब भागवत धीरे धीरे आपके ऊपर कृपा करेगी। भागवत में जैसे श्री कृष्ण विराजमान है, रामायण ग्रंथ में श्री राम वास करते हैं। अगर राम चाहिए तो आज के दिन रामायण पढ़ो, चित्त से राम आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। भगवान राम की अद्भुत जन्म लीलाएं हैं, अयोध्या की शोभा वर्णन करी गई है इस वाल्मीकि रामायण में। कहते हैं सर्व नरश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंसिता मुदिताम शीला वृतभ्यायाम महर्षे इवामलः ना कुंडली ना मुकुटी ना स्त्रगवी न अल्प भोगवान ना मृष्टो ना लिप्तंगो ना अनुसंधंगश्च विद्यते। सर्व नरश्च नारीश्च, सारे नर और सारी नारी, धर्मशीलस्य संस्थितः, सब लोग धर्म पालन करते थे। अयोध्या में एक नारी नहीं मिलेगी, एक पुरुष नहीं मिलेगा जो धर्मशील ना हो। दिल्ली में ढूंढना पड़ता है कौन कौन धर्मशील है, और ज्यादातर लोग धर्महीन निकलते हैं, धर्मशील नहीं है। संस्थितः का मतलब है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल्ड। यहां तो भक्तों के लिए मुश्किल होता है सेल्फ कंट्रोल, वहां पर अयोध्या में सारी प्रजा सेल्फ कंट्रोल। सुनसियतः मुदिताम सील वृतभ्याम, सदा ही सदाचार का पालन करते थे, एक दूसरे का सम्मान। हम प्रणाम किसको करते हैं, जिसको हम जानते हैं, लेकिन अयोध्या में किसको प्रणाम करते थे, हर जीव को सदाचार पालन करते थे। सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। महर्षि इवामलः, और वहां पर सब लोग ऐसे थे अयोध्या में जैसे कोई महर्षि होते, बड़े बड़े साधु होते। ना कुंडली, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके कान में कुंडल ना हो। ना मुकुटी, ऐसा कोई प्रजा का नहीं था जिसके सर पर मुकुट ना हो। ना स्त्रगवी, ऐसा कोई नहीं था जिसके माथे पर पुष्प ना हो, गले में माला ना हो। ना अल्प भोगवान, ऐसा कोई नहीं था जो भौतिक इंद्र तृप्ति में लगा हो। अल्प भोगवान, छोटी छोटी इंद्र तृप्ति कोई नहीं करता था। ना अमृष्ट हो, ऐसा कोई नहीं था जो नहाता ना हो। दिल्ली में बहुत मिल जाएंगे आपको, बोले आज रामनवमी की छुट्टी है, 10 बजे जाएंगे पूड़ी बांटने, 9 बजे सोए के उठेंगे, फिर पत्नी कहेगी जल्दी करिए देर हो रही है, कंजक चली जाएगी, तो फिर वो बिना नहाए पूड़ी बांट देंगे, सोचेंगे हम बड़े धर्मात्मा हैं, जबकि अहिरावण की परंपरा के हैं, लेकिन अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। ना अमृष्ट हो, एक भी व्यक्ति अमृष्ट नहीं था, यानी अशुद्ध नहीं था, सब लोग शुद्ध होते थे। ना लिप्त अंगो, ऐसा एक व्यक्ति नहीं था पूरी अयोध्या में जो सुबह तिलक न लगाता। हमें तो भक्त मिल जाते हैं, इसको वाले प्रभु जी हरे कृष्ण तिलक का, प्रभु जी अभी अभी मिट गया, प्रभु जी लगाया था कल, लगाया था तो आज मिटेगा नहीं। यहां भक्त मिल जाएंगे। ना लिप्त अंगो, ऐसा एक अयोध्या में व्यक्ति नहीं था जिसके माथे पर चंदन तिलक ना हो। ना असुगंधश्च विद्यते, ऐसा कोई नहीं था जो प्रभु राम के चरणों से निकलने वाले उस इत्र का अपने शरीर पर लगाता ना, सुगंधी आती थी। दिल्ली में लोग डिओड्रेंट लगाते हैं, लेकिन भक्तों को क्या लगाना चाहिए, भगवान राम भगवान कृष्ण के चरणों में इत्र लगा के डेली भगवान को लगाओ, और उसका प्रोडक्ट जो फल है वो हमको लगाना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी फॉलो करते हैं, नरसिंह भगवान को आरती के समय इत्र लगा के सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। तो ये वैदिक है, सारी चीजें शास्त्रीय हैं। अब राम जी के आने की तैयारी चालू हुई। राम जी कैसे आएंगे, ब्रह्मा जी बड़ी टेंशन में है, देवता कह रहे हैं रावण बड़ा अतिताई हो गया है, इसने स्त्रियों को उठाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं था कि पहली बार सीता जी का किडनैपिंग किया, ये पहले से आदत ही बड़ी, ये आदमखोर व्यक्ति था, इसने हरकतें करी थी। इसने कुबेर की बहू पुंजक स्थली को भी किडनैप कर लिया था, उसने से शराब दिया था,
आने वाले काल में अगर तुमने कभी किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका स्पर्श किया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं जब दशहरा आता है रावण कितना अच्छा था, पूछ करके सीता जी से कहता है तुम मानती हो कि नहीं, लेकिन उसने कभी स्पर्श नहीं किया। अच्छा नहीं था, डरा हुआ था, पुंजस्थली का श्राप था कि छुआ तो सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुबेर इसका भाई था, जो इनके पिताजी है रावण के, उनका नाम है ऋषि विशर्वा। विशर्वा ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक केक्सी जो राक्षसी पुत्री है जिससे रावण कुंभकर्ण विभीषण का जन्म हुआ, और एक पुत्री है इनकी पत्नी जिसका नाम है इड़ाविड़ा। इड़ाविड़ा इड़ाविड़ा की संतान है कुबेर। तो रावण कुंभकर्ण विभीषण बचपन से ही अपने पिता ऋषि विशर्वा जैसे थे, एकदम साधु तपस्वी, लेकिन एक दिन केक्सी राक्षसी थी। अब देखिए माताओं का कितना असर बच्चों पर होता है, घर अगर बिगड़ते हैं तो ज्यादातर माताओं के कारण, डाइवोर्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू की दिक्कतें आती हैं, तो किसके कारण आ रही है? ससुर और लड़का लेते, आपने दामाद लड़ते नहीं देखे होंगे, आप कहानी सुनते हैं, कभी सुना सीरियल आया हो ससुर भी कभी दामाद था, ससुर भी कभी दामाद था, क्या होता है सास भी कभी, माताओं में झगड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि माताएं खराब है, माताएं कुबल हृदय है, इच्छाओं से भरी हुई है, ये शास्त्रिक प्रमाण है। ये नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट वाले आ जाए बोले कहां लिखा है, बोले हम दिखाएंगे शास्त्र में लिखा है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं। हर एक एक योनि है, हर योनि का एक कार्य है, पेड़ चल नहीं सकता वो भी एक जीवित योनि है, पशु माला नहीं जप सकता वह भी एक जीवित योनि है, पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर सकता वह भी एक जीवित योनि है, स्त्री संतान उत्पन्न कर सकती वह भी एक जीवित योनि। हर एक की अलग अलग क्रियाकल्प भगवान ने बनाए हर योनि के, स्त्री को कोमल बनाया और इच्छाओं से भरा हुआ बनाया। स्त्री के पास घर बनाने की शक्ति भगवान ने दी है तो घर बिगाड़ने की शक्ति भी, स्त्रियां चुप है पुरुष हंस रहे। तो बताया गया है शास्त्रों में ये बात। उसने कहा जाकर के मुझे तो लगता था कि मैं रावण कुंभकर्ण विभीषण की विशर्वा जी की संतानों की मां हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तो गधर्वी हूं। गधर्वी, गधर्वी यानी गधी हूं। रावण को कहा मैं गधर्वी हूं, रावण बोला क्या कहती है माता आप और गधर्वी कैसे, बोले क्योंकि तू गधा है। गधे की मां कौन होती है? तो उसने कहा मुझे गधा क्यों कहती है मां? कब बैठे बैठे तपस्या कर रहे हो, उधर कुबेर को देखो लंका में मस्त रह रहा है, तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी तुम्हारी सौतेली मां का भाई, तुम्हारा बेटा सौतेली मां का कुबेर, तुम्हारा भाई सौतेला आनंद कर रहा है लंका में, स्वर्ण लंका में, तुम बैठे तपस्या कर रहे हो, क्या पाओगे यहां ये अग्नि में थोड़ी तुम तिल फेंक कर क्या पाओगे? कह रहे फिर क्या करना है मां, अभी बताइए, मैं जाता हूं कुबेर की गर्दन तोड़कर अभी लाता हूं आपके चरणों में लंका। केक्सी बोली इतना आसान नहीं है, कुबेर ने ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान पाया है, कोषाध्यक्ष है, सारे देवताओं का धन उसके पास है, कोषाध्यक्ष है, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी कोषाध्यक्ष बनो तो ब्रह्मा की तपस्या करो और तपस्या करके बल प्राप्त करो, बल पाने के बाद जाना और कुबेर से छीन लेना। तो रावण का मूड किसने चेंज किया? मां केक्सी ने। पिताजी तो ऋषि थे और यही रहते थे नोएडा के पास, ग्रेटर नोएडा में आज भी वो स्थली है, मैंने वहां भागवत कथा किया है दो तीन साल पहले, है ना, ग्रेटर नोएडा में आज भी वो जगह है, रावण जन्म स्थली लिखा है वहां पर मंदिर के ऊपर, और वहां एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसकी उपासना ऋषि विशर्वा क्या करते थे, ऋषि विशर्वा की मूर्ति भी वहां पर विराजमान है आज भी, है ना। तो आप जाएंगे ग्रेटर नोएडा तो आप देख सकते हैं उस स्थान को, वहां पर रावण संहिता का पाठ भी होता है, रावण की जन्म स्थली विश्रक, है ना, विश्रक गांव, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं विश्रक गांव, वहां पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता गांव में, आज भी लोग राम को अपना पुत्र मानते हैं, ग्रेटर नोएडा ज्यादा दूर नहीं है, देखकर आइए उस मंदिर को, रावण जन्म स्थली। तो रावण यहां जन्म लिया, यहां तपस्या करता था, लेकिन जब इड़ाविड़ा के पुत्र कुबेर की लंका थी उसको जब केक्सी ने बोला तब जाकर उसने लंका पर आक्रमण किया, और कुबेर की बहू जो कुबेर के दो पुत्र है ना, आप नारद जी कथा सुनते हैं दामोदर लीला में,
कौन है? मणिग्रीव, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो नल कुबेर की पत्नी थी पुंजक स्थली, उसको उठा लिया था रावण ने। तब उस लड़की ने, पुंजक स्थली ने, उसकी बहू ने श्राप दिया था तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। अभी तक राम जी आए नहीं है। तब ब्रह्मा जी की तपस्या करकर रावण ने प्रदान पाया कि मुझे कोई भी मार सकता है संसार में, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए किसी में ऐसा बल ना हो कि कोई मुझे मार सके, न पशु न राजा न स्वयं भगवान, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र, कोई ना मार सके मुझे। लेकिन मनुष्य बोलना बोल गया, बोला मनुष्य को उसने समझा नेग्लिजेंस, मनुष्य को समझा निकृष्ट। अरे मनुष्य क्या मारेगा, जब पशु नहीं मार सकता, भगवान नहीं मार सकता, मनुष्य मारेगा। इसलिए फिर भगवान ने लीला करी, भगवान राम इसी कारण से इस मनुष्य रूप में आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीरा। प्रभु राम मनुष्य रूप लेकर क्यों आए? क्योंकि रावण को ब्रह्मा वरदान दे दिए थे कि तुझे कोई भी नहीं मार सकता, केवल मारेंगे तो मनुष्य मारेंगे। इसलिए भगवान ने मानुष लीला करी कि मनुष्य बनकर आऊंगा तब रावण का वध होगा। अब ब्रह्मा जी तपस्या करी तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, कुंभकर्ण ने मांगा मैं 6 महीने सो और 6 महीने सोता ही रहूं, एक दिन उठूं। वो मांगना चाहता था इंद्रासन, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती उसकी जीवा में बैठकर घुमा दी। असुर ने अगर इंद्रासन मांग लिया तो इंद्र कहां रहेंगे? तो ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जाकर उसकी जिह्वा ट्विस्ट कर दी और इंद्रासन की जगह क्या बोला? निद्रासन। ब्रह्मा जी बोले एवं अस्तु, खड़क से सो गया वहीं बैठे बैठे। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, कुंभकर्ण ने पूछा सोना कहां है, यानी गोल्ड, सोना कहां है? रावण बोला जैसा वरदान मिला यही सो जा, यही सो जा, तो सोने के लिए बना है, तो ये गोल्ड का क्या करना है? सोता था 6 महीने, एक दिन उठता था फिर सो जाता था 6 महीने, स्वर्णासन। तो विभीषण का जब मौका आया, कई बार लोग बोलते विभीषण भक्त कैसे बन गए, तो विभीषण का मौका आया तो विभीषण ने ब्रह्मा जी से कहा मुझे वो चीज चाहिए जो किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आसानी से केवल एक चीज है जो प्राप्त नहीं होती है, देवी देवताओं का पूजन करके, नवरात्रि रख के और व्रत करके और तिलक लगा के और पूड़ी बांट के और रोली चढ़ा के, मन्नत मांग के और पत्थर बांध के, अंगूठी पहन के, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। क्या? भगवान श्री राम के चरणों में भक्ति। तो विभीषण ने कहा अगर ये अनमोल है तो मुझे वही अनमोल वस्तु चाहिए। तो फिर विभीषण को भगवान ब्रह्मा ने कहा एवमस्तु, तुम्हारी प्रीति प्रभु राम के चरणों में होगी, और तब से वह राम जी के भक्त हो गए, क्योंकि उसने अनमोल वस्तु मांगी थी। तो लोग बोलते विभीषण कैसे बन गया, ऐसे बन गया। अब बात आती है जब ब्रह्मा जी गए भगवान के पास, तो भगवान बोले चिंता मत करो, कुछ ही काल में मैं अपने मनुष्य लीला करने के लिए आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सभी देवताओं को बोलो कि वह मेरी लीला में सहयोग करने के लिए नीचे अवतरण ले। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने आज्ञा पाई भगवान से, तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को तुरंत तुरंत बुलाया और कहा देवताओं समय आ गया है भगवान राम की लीला में सहयोग करने के लिए, और अब तुम सबको अप्सराओं, वानरों, किन्नरों, रीछों, गंधर्वों, विद्याधरों के गर्भ से संतान उत्पन्न करनी पड़ेंगी। तो देवताओं ने उनकी इच्छा सुनकर, इंद्र ने वानर कन्या से वाली रूप में अपने पुत्र को जन्म दिया, यानी वाली किसका पुत्र है? इंद्र का। इंद्र ने वाली को जन्म दिया। सूर्यदेव ने सुग्रीव को जन्म दिया। सुग्रीव किसके पुत्र हैं? सूर्यदेव के। बृहस्पति गुरु ने देवताओं के तार नामक वानर को जन्म दिया। कुबेर ने गंधमाद नामक एक जो बहुत भारी बलशाली वीर था, राम वाल्मीकि रामायण में उसकी लीला आती है, गंधमाद नाम का एक वानर था। विश्वकर्मा ने नल नामक बच्चे को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को, एक सुषेण वैद्य थे, एक सुषेण नाम के वानर भी हैं वरुण ने,
और वायु ने हनुमान जी के रूप में अपने पुत्र को जन्म दिया, वायु पुत्र, पवन पुत्र हनुमान की। इधर वाले रहने दे, पवन पुत्र हनुमान की। आज भी नहीं बोलोगे तो कल बोलोगे। चल, इस प्रकार निर्मित जीवों की तीन श्रेणियां बनी, वानर, भालू और कुछ मनुष्य। इन भालू और वानरों की संख्या देवताओं ने कितनी उत्पन्न कर दी? 1 करोड़ से भी अधिक। वाल्मीकि रामायण में लिखा है 100 करोड़ महाओघा वानर जन्म हुए, उसमें से सब देवता नहीं है लेकिन 1 करोड़ देवता है। फिर देवता नीचे आकर भी तो अपनी संतानें उत्पन्न करेंगे, तो 1 करोड़ देवताओं के पुत्र जन्म लिए भगवान राम के जन्म से पहले। कितने देवता आ गए। अब भगवान राम के जन्म से पहले दशरथ जी बड़े परेशान थे, बोले हमारे घर कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने बताया, उनके जो सेवक थे उन्होंने बोला, सुमंत जी ने एक कथा सुनाई, बोले जी बहुत समय पहले की बात है, मैं आपको एक कथा बताता हूं कि एक बार एक राजा थे जिनका नाम था रोमपाद। रोमपाद नामक एक राजा थे जो कि वसंत ऋतु के समय बड़े दुखी थे कि बारिश नहीं हो रही है, वर्षा ऋतु में अकाल पड़ा है। तो किसी ने कहा आपको यज्ञ करना पड़ेगा और यज्ञ करने के लिए आपको ऋषि श्रृंग को लाना पड़ेगा। ऋषि श्रृंग नाम है, एक है श्रृंगी ऋषि भागवत में, जो कि किसके पुत्र है? शमिक ऋषि के पुत्र है। शमिक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि। आपको मालूम? बोला नहीं फिर। श्रृंगी ऋषि, शमिक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि, और ऋषि श्रृंग के, ऋषि श्रृंग किसके पुत्र हैं? मृगी ऋषि के। इन दोनों में भेद, कई बार लोग श्रृंगी ऋषि को ऋषि श्रृंग समझ लेते हैं। ऋषि श्रृंग के जन्म से ही सिर के ऊपर एक सिंह था। अभी हम एक जगह गए थे हैदराबाद में, वहां पर भक्तों ने मंदिर बनाया, ऋषि उनके उनके कुल कुल भगव कुल गुरु हैं। तो उन्होंने, वहां पर मैं जा रहा हूं अभी जून में कथा करने के लिए उसी मंदिर में, तो वहां पर ऋषि श्रृंग यानी एक ऋषि जिनके सिर पर एक सिंह है उसकी मूर्ति बनाई है उन्होंने। तो बड़ा सुंदर सिंह बनाया है ऋषि श्रृंग। क्योंकि मृगी ऋषि के पुत्र थे इसलिए उनके मृग का सिंह था, जैसे मृग के दो होते हैं उनके एक सिंह है यहां पर ऋषि श्रृंग। क्या शक्ति थी! इन्होंने जन्म से लेकर कभी भी किसी स्त्री को देखा ही नहीं। इनके पिता मृग ऋषि ने इनको आश्रम में पाला, या कभी किसी स्त्री को देखे न सोचे न जानते थे। तो रोमापाद महाराज को उनकी प्रजा ने कहा, महाराज अगर ऋषि श्रृंग यहां पर आकर यज्ञ करे तो बारिश हो सकती है। बोले लेकिन उनको लाएगा कौन, वो तो अपने आश्रम से निकलते नहीं। बोले काम करिए ना, आप अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दीजिए, जब दामाद आएंगे तो फिर हो जाएगा। पुत्री कौन है? पुत्री कौन है? शांता। कौन है वो? दशरथ जी की एक पुत्री है जो कि राम जी की बहन है, उसका नाम है शांता। लेकिन रामलीला में उसका नाम अधिक नहीं आता है क्योंकि राम जी के जन्म से पहले ही रोमापाद महाराज इनके मित्र थे, जिनको संतान की आवश्यकता थी। तब दशरथ महाराज ने अपने मित्र की सहायता के लिए अपनी पुत्री शांता को रोमापाद महाराज को दान में दे दिया था। जैसे प्रथा पुत्र जो हम देखते हैं ना, प्रथा जो कि कुंती थी, वो जन्म से ही उनके पिता ने उन्हें कुंती भोज नामक राजा को दे दिया था, जिससे उनका नाम कुंती पड़ा। ऐसे ही रोमापाद महाराज को दशरथ जी ने अपनी पुत्री शांता, जो राम जी की बहन है लेकिन रोमापाद महाराज के पास बड़ी हुई, तो उन्होंने कहा पुत्री से विवाह करने के लिए भी तो उसके मन में कुछ काम इच्छा होनी चाहिए, क्या करें। तो कुछ जो प्रोफेशनल डांसर्स थी उस काल में, उन्हें वेश्या कहते थे, वो स्त्रियां नृत्य करने वाली उत्तांगना है, उनको सेवा दी गई कि आप पुरुष रूप में जाइए और नाव में बैठकर नदी पार करके मृगी ऋषि के आश्रम में पहुंची। जब एक आश्रम की कुटिया बनाई और इंतजार करती रही, मृगी ऋषि जब ना हो तब हम प्रवेश करेंगे इनकी कुटिया में। मृगी ऋषि एक दिन किसी कार्य से गए थे, ऋषि श्रृंग बैठे तपस्या कर रहे थे, तब ये कन्याएं वहां गई और उनको कुछ भेंट दिखाने के लिए मिठाई। उन्होंने अपने जीवन में कभी मिठाई नहीं खाई थी, तपस्वी तो कंद मूल और फल ही खाते थे, लेकिन पहली बार दूध की बनी मिठाई जब खिलाई तो मीठा खाने से उनके मन में भावना आई
ये कैसे बनती है? तो उन्होंने कहा ये केवल हम स्त्रियां बना सकती हैं, मीठी बढ़िया बढ़िया बर्फी, लड्डू बर्फी, ऐसी एक नहीं अनेकों हैं, कहां मिलेंगी? कल हमारे आश्रम पर आना। तो बेचारे चले गए और इन स्त्रियों को उन्होंने स्वागत किया था, क्योंकि उनकी नेचर था वेलकम करना, तो वेलकम किया था। तो जब ये उनके घर गए, उनकी कुटिया में, ये सोच रहे थे ऋषि मुनि है, लेकिन वो अंदर से कौन थी? स्त्री थी। स्त्री संग के कारण इनके मन में इच्छा जागृत हो गई मिठाई खाने से, और मिठाई के बहाने नाव में बिठाकर इनको रोमापाद महाराज के राज्य में ले। अब वहां पर शांता से विवाह कर दिया, इनको तो विवाह भी नहीं पता था क्या होता है, बोली इससे कर लोगे तो मिठाई खाने को मिलेगी। शादी का लड्डू तब भी चलता था, खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। शादी का लड्डू के बहाने, मिठाई के बहाने ले आए। रोमापाद महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और फिर सच्चाई बताई कि हमने ये सब क्यों किया। अब तुम्हारे पिता पुत्र कामिष्ट नहीं हुआ, पहले कौन सा यज्ञ हुआ? अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाएगा और पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमेगा, जो रोकेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा, जो नहीं रोक पाया छोड़ दिया तो वो फिर युद्ध करेगा या तो फिर सरेंडर करेगा। पूरी पृथ्वी पर घूमकर 400 राज्य, 400 किंग, 400 राजाओं ने दशरथ महाराज को शरणागति करी। और दशरथ नाम था जिनके रथ इकट्ठे अगर 10 दिशाओं में जाएं, एक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ऊपर और नीचे, अगर हमारा मन भी आगे पीछे चला जाए तो हमारा काम गड़बड़ होता। दशरथ इतने एक्सपर्ट थे कि अगर 10 दिशाओं में रथ जाए तो वो अकेले 10 दिशाओं के रथों को मैनेज कर लेते थे, इसलिए उनका नाम था दशरथ, 10 रथों को मैनेज करने वाले। बड़ा अद्भुत दशरथ, उन्होंने 10 रथों को मैनेज किया और दशरथ महाराज ने यज्ञ जीत लिया, 400 राजा उनके शरण में आ गए। अब जब यज्ञ हुआ तो बाद में घोड़े के अंग काटे गए, ये यज्ञ कौन कर सकता है? वाल्मीकि जी लिखते हैं कि यज्ञ वही कर सकता है जो सभी पापों से मुक्त हो, और दूसरा जो उस घोड़े को नया जीवन दे सके, यानी घोड़ा इधर काटा यज्ञ में डाला और उधर नए घोड़े का जीवन दे दिया, ऐसा कर सकता है वो अश्वमेध करने के लिए अप्रूव्ड है। इसलिए कलयुग में कोई ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए पुराणों में लिखा है गवालंभम अश्वमेघम, अश्वमेघ यज्ञ वर्जित है, गवालंभम गाय का वध करना वर्जित है, और अपनी भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना वर्जित है, सन्यास लेना, यानी कि सन्यास वो वाला सन्यास नहीं, आश्रम वाला जो हमारे स्कॉन में होता है, वह सन्यास जो कि घर बार को छोड़कर और विरक्त हो जाना और हिमालय में जाकर बैठ जाना, नकली सन्यास जैसे कहते, सन्यास हमारे स्कॉन में वैदिक आश्रम है वो सन्यास नहीं है। सन्यास होता है कि पत्नी बच्चे को छोड़कर अकेले कहीं चले गए, ना तो कपड़े पहने ना कुछ पहने, बोले हम सन्यासी ले लिए, नार मरी धन संपत नासी, पत्नी मर गई धन का लॉस हो गया, नार मरी धन संपत नासी मूंड मंडाए भय सन्यासी। तुलसीदास जी कहते हैं मूंड मुंडन करके सन्यासी बन जाते, पत्नी मर गई धन बचा नहीं, अब क्या करें? बोले अब भिक्षाम दे मां भिक्षाम दे, ये नकली सन्यासी होते हैं, तो असली नहीं होते। तो जो कर सके पवित्र हो, नया जीवन दे सके, वह अश्वमेध यज्ञ कर सकता था। तो वो कौशल्या ने घोड़े के अंगों को काटा, 3 दिनों तक यह कार्यक्रम चला और वो घोड़े के अंग उस यज्ञ अंग में डाले गए। उस यज्ञ से बहुत सुंदर सुंदर गाय प्रदान करी गई ब्राह्मणों को, स्वर्ण प्रदान किए गए। ऋषि श्रृंग ने कहा आप पुत्र कामिष्ट यज्ञ क्यों नहीं करते हैं अगर आपको पुत्र की कामना है? तो पुनः एक यज्ञ आरंभ किया गया जो कि पुत्र कामिष्ट यज्ञ था, और पुत्र कामिष्ट यज्ञ पूर्ण होने पर यज्ञ अग्नि में से एक असाधारण व्यक्ति निकला जो कैसा था? कृष्णम रक्तांबरम धरम स्तासस्यम दुंदभीष्णम स्निग्धा हरिये तनुजम शुप्रवरम मूर्धजम। कृष्णम काले रंग का था, रक्तांबर लाल कपड़े पहने थे। अग से पुत्र कामिष्ट यज्ञ से कौन निकला? विष्णु दूत निकला जो कैसा था?
कृष्णम, काले रंग का था, रक्तांबर लाल कपड़े पहने थे, दुंदुभि स्वनम और उसका मुंह भी पूरा का पूरा रक्तस्य, लाल रंग का मुख भी था, लाल रेड मुंह, और दुंदुभि स्वनम उसकी वाणी दुंदुभि के समान गरज रही थी, जैसे आकाशवाणी होती है, लीजिए महाराज दुंदुभि। स्निग्धम उसके बाल चिकने थे, हरियतम हरियज्ञम उसकी आंखें, और तनुजम शुभवर मर्दुजम बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे। इस व्यक्ति ने कहा ये लीजिए आपके लिए पायसम खीर लेकर आया हूं, इस खीर को आप अपनी पत्नियों को खिला दीजिए। कितनी पत्नी थी उनकी? 1000 पत्नी थी दशरथ महाराज की, उनमें से 353 वाल्मीकि रामायण में लिखा है 353 मुख्य थी, और उन 353 में से 3 अति मुख्य थी। ऐसा नहीं था कि सबकी सब जो थी वह तैयार थी। महाराज ने पहले ही पूछा था तुम 353 रानियों में से कौन सी ऐसी है जो पुत्र कामेश्वर यज्ञ में बैठना चाहती है। जैसे हम लोग नहीं लिखते वॉलंटियर सेवा है, कौन कौन भक्त आना चाहते हैं यज्ञ में, तो 2-4 आ जाते हैं, बाकी कहते हैं ऑनलाइन देख लेंगे। अब जैसे राम कथा चल रही है, कई कह रहे हैं रोज सुनी हुई है, वही तो राम थे, एक राम थे एक रावण ना, उनने उनकी सीता हर ली, उनने उनको मारन ना, इतनी बात को बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। तो लोग राम कथा को समझते तो सुनी हुई है भारत के लोगों की। मैं गारंटी देता हूं मैं यहां बैठ करके प्रश्न करूं एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। अभी पूछ रहा हूं आप दे भी नहीं पा रहे अभी तक, सब गलत सोच रहे, जो जो सोच रहे थे गलत निकल रहा आंसर। और बोल रहे राम कथा सुनी हुई है बचपन से सुन रहे, आपने जो सुनी है वो टीवी सीरियल सुनी है, आपने रामकथा सुनी कहां है? कहानी सुनी है स्कूलों में, रामकथा कहां सुनी है? इसी में गलत होगा। अभी भी आप संशय की दृष्टि से सोच रहे ये जो बोल रहे हैं हमने तो सुना नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। पढ़िए वाल्मीकि रामायण को, पता चलेगा। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स योर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट्स अवर प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम है, हम लोगों को शास्त्र पढ़ने के लिए बोला नहीं जाता। कितने लोग तो लिख भी नहीं रहे, क्योंकि सबके सबकी मेमोरी बड़ी एक्सपर्ट है, सबको स्मरण हो जाएगा, अगली बार निकलती यथारूप सुखदेव गोस्वामी की तरह सुना देंगे पूरे। बोले लिखे कौन है ना, हमने सब पढ़ा हुआ है, हम जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहां पर तो ऐसा नहीं बताया गया, हम वहीं से सीख लेंगे। लिखना चाहिए जब भी कथा में है, मुख्य मोबाइल में लिख लो अगर आप स्मार्टफोन के जमाने के हो, क्योंकि स्मार्टफोन क्यों आया? बोले मेमोरी डल हो गई, तभी तो स्मार्टफोन है, उसमें ही लिख लो, लिखना चाहिए। फिर भी यहां पर लोग सोचते हैं सुबह जल्दी उठा था तो सो लूं थोड़ा सा, कुछ लोग कथा में सोने के भाव से भी आते, एक ओमकरण सोता था फिर एक यहां भी सोते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कुंभकर्ण की जो पत्नी थी दो निद्रा और तंद्रा, उन्होंने राम की शरण में देख लिया कि जो नहीं गए क्या हाल हुआ, और राम जी कृपालु हैं तो कुंभकर्ण का वंश बढ़ाने के लिए तंद्रा और निद्रा आती हैं, पहले आक्रमण करती है पलके भारी तंद्रा है, फिर दूसरी पत्नी आके पलक पे बैठ जाती है निद्रा, ताकि तुम राम कथा को ध्यान से सुना, जिसने सुन ली राम कथा फिर बचेगी जीवन की व्यथा, समाप्त हो जाएगा सब कुछ। अरे आपकी गलती तो छोड़ो, स्वयं सती माता शिवजी की पत्नी कुंभज ऋषि के घर गई थी। कुंभज ऋषि जानते कौन है? अगस्त मुनि, उनको कुंभज कहते हैं, क्यों? क्योंकि कुंभ मटके से पैदा हुए थे, कुंभज ऋषि, उनके घर गए थी, किस लिए? राम कथा सुनने। शिवजी सुन रहे थे और सीता जी और सती माता कुंभज ऋषि की जो पत्नियां थी, ऋषि पत्नियां, उनसे पूछ रही हैं आपके जंगल में क्या क्या अच्छा बनता है, कुकिंग से ऊपर ही नहीं आती माता, वही पूछ रही थी आपके जंगल में क्या क्या अच्छे फल मिलते, सुनी नहीं, और उसी के कारण से उनका पतन हुआ। लौट करके भगवान राम को टेस्ट करी, ये राम जी जो है इनको शिवजी ने प्रणाम किया है, क्या ये वही है जिनकी आप माला जपते हो? ये तो रो रहे हैं, हे सीते हे सीते। और उसी कारण से फिर सती को प्रभु शिवजी ने त्याग दिया, और उसी कारण से फिर वो दक्ष कुंड में दाह हुई। तो सोचिए एक राम कथा ना सुनने से कितना बड़ा कांड हो जाता है, 7 कांड सुनोगे तो जीवन के कांड से बचोगे। स
सात कांड नहीं सुनोगे तो जीवन में कांड करोगे। सुनना चाहिए ध्यान से। विष्णु दूतों ने आकर के दिए थे तो जितनी पत्नियां तैयार हुई वॉलंटरली, वही तीन पत्नियां बैठी थी यज्ञ में, बैठते हैं जो वॉलंटरली, बाकी लोग तो पीछे पीछे रहते हैं, है ना, बातें करते रहते हैं, लेकिन जो मेन स्वाहा करने वाले दो तार ही होते हैं जो आगे यज्ञ के पास बैठते हैं, वो तीन ही थी, कौशल्या, केकई और सारे बोलो। मैंने एक दिन बोला किसी जगह पर, मैंने कहा जोर से बोलो, कहते जय माता दी। मैं प्रश्न का उत्तर जोर से बोल रहा था, ट्रेनिंग कितनी खराब है हमारी। तो जोर से बोलो सुमित्रा। सुमित्रा तीन थी, सुमित्रा जी को और केकई और कौशल्या को यज्ञ अग्नि से निकला पायसम दिया गया। तो कैसे दिया गया, इसके अलग अलग भाग किए गए। पहला आधा भाग कौशल्या माता को दिया गया, है ना, पहला भाग कौशल्या माता को दिया गया, और उसके बाद जो एक चौथाई भाग था 1/4 वो सुमित्रा को दिया गया, और केकई को नहीं सॉरी हां केकई को 1/8 पार्ट दिया गया, कौशल्या को खीर का आधा भाग, सुमित्रा को 1/4 और केकई को 1/8 हिस्सा। समझ रहे हैं आप, एक अगर मैथमेटिक्स जानते हो, गणित थोड़ा थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा था। तो एक सर्कल है, उसको अगर हमें आधा बांट दिया, 50% चला गया तो कितना बचा, 50%। अगर 1/4 सुमित्रा को दे दिया तो कितना बचा, 25% बचा। उस 25% का दो भाग करने हैं तो 12.5% केकई को दिया गया, और अब बचा वापस 12.5%, वो किसको दिया गया, पुनः सुमित्रा को दे दिया गया। तो इस तरह से सुमित्रा को 1/4 और 1/8 हिस्सा मिला, केकई को 1/8 मिला और कौशल्या को 1/2 हिस्सा मिला। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के विस्तार में अगर आप देखें, कृष्ण, बलराम और फिर चतुर्व्यूह विष्णु आते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, वही चार मूल प्रथम चतुर्व्यूह आज राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बनकर प्रकट हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कितने दिन तक कौशल्या माता का गर्भ रहा, जानते हैं, 12 महीने। कितने, 12 महीने। अब लोग कहानी सुनाते हैं, दशरथ जी ने लाला जयो रे, चार लाला जयो रे, लोग लिखते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लिटा देंगे खट्टे। 12 महीने बाद चैत्र पक्ष आया जो आज चल रहा है, नौमी तिथि आई, पुनर्वसु नक्षत्र आया, कर्क लगन आया, और इस काल में भगवान कहते हैं, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सारे के सारे अनुकूल किए ब्रह्मा जी ने, ग्रह, योग, लग्न, जो भी कुंडली में जितना कुछ भी होता है हमारा, कहते भाग्य खराब है जन्म से ही, क्योंकि कुंडली गलत टाइम पे पैदा हो गए। आदमी कहते हैं ना मेरा भाग्य कब सुधरेगा, बोले कभी नहीं सुधरेगा, तेरी जन्म ही गलत है, कभी नहीं सुधर सकता। एक तरीके से सुधर सकता है अगर भगवान की शरण में चला जाए तो, जो अभागा भी होगा वो भाग्यशाली बन जाता है। भगवान के पास एक शक्ति है, अघटन घटन पट्यसी, जो तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होने वाला उसको घटित करा देंगे, अघटित को घटित कराने की शक्ति भगवान के पास केवल एक तरीका है, वरना भाग्य को बदलने की शक्ति और किसी के पास नहीं, कोई तरीका है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, राम जी का जन्म होने वाला, इसलिए पत्थर, चट्टाने, वानर, किन्नर, गंधर्व सब बड़े प्रसन्न हैं। बोले अब आएंगे श्री राम। तब आई नौमी तिथि मधुमास पुनीता सुकल पच अभिजीत, मुहूर्त जो आया मध्य दिवस नहीं धूप अति धूप न गामा अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। कहते हैं नौमी तिथि
तिथि कौन सी आज? मधुमास पुनीता। मास कौन सा है? इस मास का एक नाम है मधुमास, चैत्र मास को मधुमास। मधुमास शुक्ल पक्ष है ना, शुक्ल पक्ष चल रहा है। अभिजीत हरि प्रीता, एक भगवान को सबसे प्यारा मुहूर्त लगता है राम को, उसका नाम है। जैसे कृष्ण जब भी आएंगे, जिस भी कल्प में आएंगे रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, राम जब भी आएंगे अभिजीत नक्षत्र में आएंगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस कितने बजे आए? 12 बजे मध्य दिवस, 12 o'clock। हम लोग शाम को करते हैं अभिषेक, करना चाहिए दोपहर में। हम शाम को इसलिए करते हैं क्योंकि दोपहर में आपके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन शाम को भगवान पे तो टाइम है, तो दोपहर में अभिषेक होता है भगवान का। मध्य दिवस अति शीत न घामा, कौन सा टाइम चल रहा है? ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी। अभी कई घरों में एसी ऑन नहीं हुए, तो अति शीत, ज्यादा ठंड भी नहीं है गर्मी भी नहीं। ऐसे में भगवान आए। पावन काल लोक विश्राम, ऐसा काल था अब सब लोग जिनकी शरण लेकर अपने जीवन को मुक्त बना सकते हैं। अब यहां पर यह बात समझने वाली है कि भगवान के जन्म हुआ, राम जी के जन्म के कुछ क्षण बाद भरत महाराज का जन्म हुआ, और उनके 2 दिन बाद लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो नौमी तिथि पे किसका हुआ? राम जी का और भरत जी का। भरत जी लेकिन संध्या काल में आए थे, तो हम जब अभिषेक करेंगे तो भरत जी का काल होगा। और 2 दिन बाद क्या बनाएंगे हम? एकादशी। वो किसका जन्मदिवस है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म एकादशी पर हुआ, इसी महीने की। एक साथ नहीं हुआ कि चारों पल्ले में आ गए इकट्ठे, ना। उसके बाद लोग बोलते हैं राम नाम तुरंत रख दिया उनका, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, नहीं। 12 दिन के इंतजार के बाद 13 दिन जब बीत गए, तब 13 दिन बाद भगवान के नामकरण का दिन आया, और भगवान राम के नाम के लिए दशरथ महाराज ने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, वशिष्ठ जी 12 दिन बीत गए हैं, हमारे बच्चे को जन्म लिए, आप कृपा करके इनके नामकरण कर दीजिए। शास्त्र बताते हैं जब वशिष्ठ जी ने यह बात बोली, जब दशरथ जी ने यह बात बोली, तो उन्होंने बोला, क्या बात करते हैं आप, बीत गए कितने दिन? 12। उन्होंने कहा, अरे क्या बात करते हैं, आपके बच्चों को जन्म लिए तो 1 महीना बीत गया है। कहा, अरे लेकिन अभी तो दिन 12 हुए हैं। बोले, नहीं, कुछ क दिवस बीते यही बाती, जात न जानई दिन और राती, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पटा है मुनि ज्ञानी। 1 महीने तक सूर्य एक जगह पर टिका रहा, कुछ एक दिवस बीत यही भांति, जात न जानी दिन और राती। समझ नहीं आ रहा था दिन रात, कई दिन तो ऐसे निकल गए थे, प्रमाण है, किसी को नहीं पता चला कितना काल बीत गया, 1 महीने से ऊपर हो चुका था। उन्होंने कहा, आपको लग रहा है 12 दिन, महीने बीत गए हैं, नाम नहीं हुआ है, क्योंकि सूरज तो जा ही नहीं रहा। सूरज कह रहा है, हमारे वंश में आए हैं, दर्शन तो कर ले, क्योंकि आगे जाके क्या कहलाएंगे, बोलो श्री सूर्यवंशी भगवान रामचंद्र की, तो राम के साथ हमारा भी नाम हो जाएगा। तो हम भक्तों का नाम किस कारण से होता है? भगवान के कारण। अगर राम ना होते, राम कथा ना होती, तो प्रशांत मुकुंददास कथा कहते आप बुलाते, तो हमारा नाम किससे हो गया? राम से हो गया। इसीलिए सूर्य बड़े प्रसन्न थे, चंद्रमा नाराज थे। चंद्रमा बोले, सूरज भाई तुम्हारे तो बड़े मजे, राम जी तुम्हारे काल में आ गए, हम क्या करें। और राम जी के चरणों में देखा, राम जी तो कृपालु हैं, किसी को रोता नहीं देख सकते। बोले, चंद्रमा रोते क्यों हो? बोले, प्रभु आपने धोखा दे दिया, सूर्य चंद्र को आपने नेत्र बताते हो, तो कौन सा व्यक्ति एक आंख बंद करेगा एक को खोल के रखेगा, एक आंख से रोएगा और एक आंख के आंसू ना निकलेंगे, एक प्रसन्न हो और एक रोए, ऐसे कर सकते हो? लेकिन ये तो अद्भुत हो रहा है, एक प्रसन्न आंख है और एक रो रही है आंख, ऐसा कैसे? तो राम जी बोले, चिंता मत करो, यह मेरा अवतार हुआ है,
सूर्य वंश की प्रसन्नता के लिए, अगली बार जब मैं आऊंगा 28वें चतुर्युग में तब तुम्हारे कुल का नाम बढ़ाऊंगा, चंद्रवंशी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। तो कृष्ण चंद्र कहलाते हैं, क्या कहते हैं? तो पूरा जीवन चंद्रमा तुम्हारे साथ लग गया, लग जाऊंगा, वाह। तब फिर चंद्रमा भी मुस्कुराने लग गए। तो इस तरह आप कहते हैं नामकरण करने के लिए कितने दिन बीत गए? बोले अतितय एकादशम तु नामकरण तथा कुरोत। वाल्मीकि जी कहते हैं 11 दिन बाद तो होश आया, नामकरण करना है। तब सभी गुणों से संबंधित यहां पर नामकरण प्रारंभ हुआ। बोले तुम्हारा नाम होगा पहले पुत्र का, ते यदा ज्ञान संपन्नम सर्वसुमुदिते गुणे हेमंत कीर्ति मंतस्य सर्वज्ञ दीर्घ दर्शिनः। लज्जावान होंगे, यशस्वी होंगे, दूरदर्शी होंगे, सभी गुणों की खान होंगे, इसलिए यह राम होंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की। वसुदेव जी का अंश जो भगवान वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध, वह वसुदेव राम बन के आए, सबको आनंद देने वाले। कुछ देर बाद प्रद्युम्न भरत बनकर प्रकट हुए। जो भरत नाम क्यों पड़ा? बोले भरत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपने सर पर सभी सेवाओं का भार उठाएंगे, जितनी सेवाएं होंगी राम की उसका भार। जब राम जी चलेगा वन में तो अयोध्या का राज किसने संभाला? इसलिए भार उठाने के कारण जो सेवा का भार उठाता है वो भरत समान हो जाता है। इसलिए उनको असीमित भार ढोने के कारण कहा कि राम का इतना भार उठाएंगे सेवा का, इसलिए इनका नाम होगा भारत, भार उठाने वाला, भारत भारत। संकर्षण रूप में लक्ष्मण जी 2 दिन बाद पैदा हुए। कहा ये हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति रमण करेगा, इसका लक्ष्य एक ही होगा प्रभु राम की सेवा। इसलिए वन में जब वो गए राम तो लक्ष्मण जी साथ, लक्ष्य के प्रति रमण करता है। जिसके पास लक्ष्मी बहुत होगी, लक्ष्मण के पास काय बात की लक्ष्मी है? राम नाम धन, इतनी लक्ष्मी राम नाम का धन है, राम नाम का धन रूपी लक्ष्मी है। अनिरुद्ध शत्रुघ्न रूप में प्रकट हुए, उनको नाम दिया जो शत्रुओं का हनन करने वाले होंगे, जो इच्छाओं का हनन करने वाले होंगे, वह 6 विकारों से पूर्ण रूप से मुक्त होंगे, ऐसे का नाम क्या होगा? शत्रुघ्न होगा। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी ने कहा ये अलग अलग बच्चों को अलग अलग नाम दिए गए। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सबके नाम दिए। जो है जो आनंद सिंधु राशि है जो तीनों लोगों को सुख देंगे ऐसे का नाम से ही सुखदाम राम अस नामा, उनका नाम राम होगा। अखिल लोक दायक विश्रामा, सभी लोगों को विश्राम देंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करेंगे वहा भरत कहलाएंगे। ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, उनका नाम क्या होगा? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत उद्धार, गुरु वशिष्ठ राखई लक्ष्मण नाम उदार। जिनके आने से ही अपवित्रताएं समाप्त हो जाएंगी, जिनके आने से भक्ति के लक्षण प्रकट हो जाएंगे, जिनके आने से संपूर्ण जगत का उद्धार होगा। लक्षण धाम समप्रिय सकल जगत उद्धार, गुरु वशिष्ठ ते ही राख लक्ष्मण नाम उधार, उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। बोलो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। बड़ा सुंदर सबका यहां पर वर्णन किया गया। अब अंतिम एक श्लोक जो यहां पर दिया है इसके साथ मैं आज की इस कथा को विराम दूंगा। यह श्लोक आप सब लोगों को पढ़ना है हमारे साथ में, किसी की समझ में ना आए तो भी पढ़े। इस श्लोक में भगवान के 3 अवतारों के वर्णन किए गए।
श्रीमद भागवतम के 11वें स्कंद 5वें अध्याय 34 नंबर श्लोक बोलिए, त्यक्त्वा सुदस्तज्या सुरेप्सितः राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठा आर्य वचसा यद आगा अरण्यम माया मृगम दैताये इप्सितम अन्वाधवा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदस्तज्या सुरप्सेत राजलक्ष्मीम धर्मेष्ट आर्वचसा यदागादरण्यम माया मृगम दैताये इप्सितम अन्वाधवा वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने आपको पढ़ना चाहिए, आप ही के द्वारा, आपके इस्कॉन के द्वारा इसका वितरण किया जाता है। इस्कॉन की भागवत के अंदर इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने तीनों अवतारों का वर्णन किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, तीन बिग पर्सनैलिटीज अपियर्ड ऑन दिस अर्थ। तीन बड़े पर्सनैलिटीज आई हैं, कौन कौन सी? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु पर भी श्लोक लगता है, राम जी पर भी श्लोक लगता है और श्री कृष्ण पर भी श्लोक लगता है। अद्भुत बात है कि नहीं है? एक श्लोक और तीन भगवान, वाह, क्योंकि तीनों भगवान एक ही है, इस बात की प्रमाणिकता। त्यक्त्वा सुदस्तस्य सुरेप्सितम राजलक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद आगाद अरण्यम। कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने त्यक्त्वा, त्यागा अपने परिवार को एक ब्राह्मण के कहने पर। लेकिन भगवान एजिटेट नहीं हुए। एक बार गंगा में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ स्नान कर रहे थे और एक ब्राह्मण के ऊपर थोड़ा जल फेंक दिया। उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाए। महाप्रभु जोर जोर से कहने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आपको कोई कहे जा तेरा पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाए, आप क्या करेंगे? तेरी ऐसी की तैसी, प्रसन्न होंगे? लेकिन रात दिन आप क्या बोलते? प्रभु निकालो इस माया से, ले लो अपने शरण में। और कोई ब्राह्मण अगर ये सेवा कर दे, क्योंकि भगवान हो सकता है अपनी बात भूल जाए, लेकिन ब्राह्मण की बात नहीं भूलते। नमो ब्राह्मण देवाय को ब्राह्मणिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। ब्राह्मण की बात भूलेंगे तो भगवान बड़े खुश हुए। चैतन्य बोले, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उस रात महाराज का कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे, तो माया मृगम, कौन सा माया मृग है? जो कंडीशन सोल्स है हम लोग, इस माया में जो हम मृग घूम रहे हैं। मृग क्या करता है? अपने ही पेट में छुपी कस्तूरी को ढूंढता है। कहां है कस्तूरी की सुगंध, कहां है कस्तूरी की सुगंध? कस्तूरी मृग पूरे जंगल में घूमता है और अंत में उसको अपने पेट में कस्तूरी मिलती है, इस बात का पता नहीं चल पाता। ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में विराजमान है और केवल नाम जप के माध्यम से, ग्रंथ श्रवण से वो मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया आज पूरी के भंडारे कर रही है, क्योंकि वह माया मृग है, कंडीशन सोल। माया का मृग, माया मृग कहलाता है। दैताम इच्छताम अन्नदवादम, केवल कृपावश भगवान ने आचार्य वचसा, एक आर्य वचसा, एक ब्राह्मण के वचन को ले लिया और इस कार्य को पूरा करने के लिए भगवान ने अपने परिवार का त्याग किया। अगले दिन ही कटवा में जाकर महाप्रभु ने संन्यास धारण किया ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो सके। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। चैतन्य महाप्रभु की। भगवान श्री कृष्ण ने क्या छोड़ा? त्यक्त्वा सुदस्तज्य, जो चीज छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे महाप्रभु के लिए अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ना, अपनी मां को छोड़ना, जब पिता का देहांत हो चुका हो, कितना मुश्किल है। भाई ऑलरेडी विश्वरूप जा चुका है, कौन ऐसा लड़का होगा छोड़ देगा? भगवान के लिए छोड़ सकते हो?
बहुत मुश्किल है। त्यक्त्वा शुद्ध सच्चय, यानी कि जो दूसरों के लिए छोड़ना मुश्किल है, दुस्तज्य, उस दुस्तज्य सुदुस्तज्य और भी मुश्किल है, उसको भगवान ने छोड़ा हमारे लिए। कृष्ण किसको छोड़ा? बोले कृष्ण ने मथुरा में जन्म लेकर आराम से वासुदेव की कक्ष में ही कंस का वध करके मजे से मथुरा नगरी का आनंद ले सकते थे, लेकिन भगवान ने गोकुल की झोपड़ी में जाना पसंद किया। क्यों? प्रेम के कारण, कि जो यशोदा नंद का प्रेम मुझे पुकार रहा है वो मुझे मथुरा की राज्य में नहीं मिलेगा, उनको आनंद दे दूं उसके बाद मथुरा तो मेरी है, जाना कहां है, 11 साल बाद लौट आए कि नहीं मथुराधीश बन के। तो त्यक्त्वा सुदस्य सुरप्त राज लक्ष्मी, उन्होंने राज लक्ष्मी का त्याग किया राम कृष्ण भगवान ने। धर्मिष्ठ आर्य वचसा, कौन से आर्य वचन को पूरा किया? उन्होंने राधा रानी के साथ जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे तो देखते हैं कि उनके भाई ने श्रीदामा ने कृष्ण को श्राप दिया कि सदा तुम्हें राधा का चिंतन रहता है, मेरा नहीं रहता, जा तुझे श्राप देता हूं तो 100 साल के लिए इससे अलग हो जाएगा। और देखो फिर भगवान ने गोकुल का त्याग किया, मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, 100 वर्ष का सेपरेशन किया, किस कारण से? श्रीदामा एक ब्राह्मण है, उसके मुख से निकली बात को पूरा करना। कृष्ण ने क्रीड़ा मृगम, कौन सा क्रीड़ा मृग था? जो कि क्रीड़ा मृग है श्रीमती राधा रानी। और जब संसार में गए तो मायाबद्ध लोग योग माया के रूप में माया मृग, दो रूप से मृग बताया है, क्रीड़ा मृग और माया मृग। क्रीड़ा मृग था जिनके साथ कृष्ण ने लीला करी राधा रानी, और माया मृग यानी योग माया जिसके लिए भगवान ने बार बार त्यागा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते, वंदे महापुरुष ते चरणार विंद। और यही श्लोक राम जी पर लगता है, त्यक्त्वा सुदुसज्यः सुरक्षिता राज लक्ष्मी। भगवान राम ने, श्रीधर स्वामी कहते हैं, आर्य वचसा अपने पिता दशरथ महाराज और अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के कहने पर, आर्य वचसा ब्राह्मण के कहने पर अपने घर का त्याग किया, अयोध्या का त्याग किया। किसके लिए? क्योंकि जंगल में एक माया मृग आने वाला है, कौन? जो स्वर्ण मृग बनकर आएगा, कौन? मारीच, मारीच आएगा, जिसके कारण सीता जी का अपहरण होगा। सीता को पहले ही अग्निदेव के साथ भेज दूंगा, एक माया सीता रह वहां रखूंगा, जैसे आप चूहे के लिए पिंजरा लगाते हैं उसमें रोटी टांगते हैं, चूहे को क्या लगता है? बड़े अच्छे घर वाले, लगता है भागवत पढ़ने लगे। भागवत में लिखा है चूहे को पुत्रवत मानना चाहिए, देखो मेरे लिए कितना अच्छा जलेबी रोटी लगाई, वो खाने के लिए घुसता है, पिंजड़ा हिलता है और खुद ही उसमें, इसको कहते हैं ट्रैप ऑफ माया। माया ऐसे ही हम लोगों के जीवन में ट्रैप लगाती है और हम फंस जाते हैं। भगवान ने पहले ही सीता जी को अग्निदेव के साथ भेज दिया था और उनसे एक माया सीता, छाया सीता ले ली थी, जिनको रावण के सामने एक सीता रूपी रोटी का टुकड़ा लटकाया था और एक बहुत बड़ा ट्रैप लगाया था जिसमें माया मृग मारीच भी आया। क्या राम जी जो अंतर्यामी नहीं जान रहे हैं कि सोने का मृग कभी होता नहीं है? क्या सीता जी जो अंतरंगा शक्ति है, जगत जननी है, पूरे जगत को पैदा करने वाली है, जगत माता सीता नहीं जानती है कि ये माया मृग है, लेकिन फिर भी अपने पति से कह रही है जो कुछ भी हो आप इसे पकड़ कर लाइए। कुछ लोगों ने तो राम जी पर दोष लगा दिया कि राम जी की पत्नी ने कहा कि जाओ मृग को लेकर आओ, दोनों नॉनवेज खाएंगे। कौन से सोने का मृग का नॉनवेज बनता है? उस व्यक्ति से जो नॉनवेज खाते उससे पूछो, भैया तुम क्या सोना उगाल के खाते हो? सोने का मृग था, स्वर्ण मृग मारीच, माया मृगम दयिताम इप्सितम अन्नवादम। ये केवल भगवान ने अपनी कृपा अवश्य, रावण को मारना भी भगवान की कृपा है क्योंकि वह जय विजय है, जो आ गए हैं भगवान उनसे युद्ध करके उनको मुक्त करेंगे, उनके आतिथ्य कार्यों को बंद करेंगे और अपने भक्तों से कैसे मिलेंगे? शबरी इंतजार कर रही है, है? भगवान के लिए विभीषण इंतजार कर रहे हैं, हनुमान इंतजार कर रहे हैं, अगस्त ऋषि इंतजार कर रहे हैं, भगवान के लिए अनेक अनेक भक्त जंगलों में इंतजार कर रहे हैं, सुतिक्षण इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भगवान आनंद देने के लिए लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने अपने आर्य वचसा, आर्य के वचनों को लिया और अपने घर का त्याग कर दिया।
ऐसे भगवान राम के चरणों में हम प्रणाम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। तो तीनों ने छोड़ा, चेतन महाप्रभु ने परिवार रूपी लक्ष्मी को छोड़ा, किसके कहने पर? आर्य वचसा, ब्राह्मण के कहने पर। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी रूपी अपनी लक्ष्मी को त्यागा, ब्राह्मण के कहने पर, श्रीदामा कहने पर। और अपने ऐश्वर्य रूपी मथुरा का त्याग किया था केवल इसलिए क्योंकि देवताओं ने कह दिया था, भगवान ने माया मृग के चक्कर में छोड़ दिया। और भगवान राम ने अपनी अयोध्या नगरी का त्याग किया क्योंकि उनको माया मृग मिलने वाला है मारीच, ताकि रावण का वध हो और भक्तों को, देवताओं को शांति मिले। आर्य वचसा गुरु वशिष्ठ और उनके पिता दशरथ के कहने के कारण। तो इस तरह से महाप्रभु ने अपने षडभुज रूप में दिखाया, है ना। हम देखते हैं जगन्नाथपुरी जब जाते हैं वहां पर षडभुज भगवान है, सिक्स आर्म्स, दो हाथों से धनुष और तीर पकड़ा है, दो हाथों से बांसुरी बजा रहे हैं और नीचे के दो हाथ से कमंडल और डंडा धारण किए। तो भगवान अपने षडभुज रूप में दिखाते हैं, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही चैतन्य हूं। तो अगर कोई आपसे बोले राम जी का भजन कर रहे हो, आपकी एक निष्ठता हटती नहीं है, बोले वही तो कृष्ण है, वही तो कृष्ण है, वही कृष्ण है, हमारी हटती नहीं, क्योंकि केशव ही है हर चीज में। नरसिंह चतुर्दशी बनाते हैं तो हम नरसिंह का भजन नहीं करते, किसका करते हैं? केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश। अगर राम में आते हैं तो क्या करते हैं? केशव धृता राम शरीरा जय जगदीश। अगर लड़का स्कूल में नाटक करने के लिए बच्चा चला जाए और जाकर के वहां कोई रोल करे इंस्पेक्टर का, तो क्या बच्चा बदल गया? बच्चा बदल गया, वही है ना। घर में पति है, बैठा है पति पजामे में, वही पति एडवोकेट साहब कोर्ट में जाएंगे काला कोट पहनकर, ब्लैक व्हाइट कलर की टाई लगाएंगे, तो क्या पति बदल गया? खैर तुम बदले बदले से नजर क्यों आते हो? लेकिन जो तत्व को जान रहा है वही पति आज बढ़िया से एडवोकेट की ड्रेस पहनकर ऑफिस गया है, वही अभी 15 अगस्त को सोसाइटी में पजामा कुर्ता पहनकर झंडा फहराएगा, वही पति जो है ना दक्षिण भारत के मंदिर में दर्शन करने जाएगा तो नीचे मुंडू पहन लेगा, छोटी सी धोती पहन लेगा, ऊपर उतारना पड़ेगा, मंदिरों में दर्शन नहीं होता दक्षिण भारत। तो क्या पति बदल रहा है बार बार रूप बदलने से? स्विमिंग करने जाएगा तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेगा, जिम जाएगा तो जिम कॉस्ट्यूम पहन लेगा, तो पति बदल गया? पति वही है। ऐसे ही कृष्ण से हम एकनिष्ठ हैं, थे और रहेंगे, चाहे राम अवतार में आए, चाहे नरसिंह अवतार में आए, चाहे भगवान अवतार में आए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, रुक्मिणी द्वारका देश भगवान की, शिष्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शिष्य पंच तत्व गौर निताय की, ग्रंथरा श्रीमद रामायण की, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। मैंने आपका काफी समय ले लिया, हरे कृष्णा, धन्यवाद। Thank you.
पाकिस्तान में प्रचेता सो अहम लोग डालो गूगल में मिल जाए जो उसमें स्टार्टिंग नाम उसमें ये नहीं है कि मरा मरा वाला है उसमें है क्रंच पक्षियों को से मारा था और फिर वहाँ पर नाराजी ने कहा तुम ब्राह्मण क्यों नहीं लिखते मरा मरा वाला ये वो वाले नाम ये वाल्मीकि नहीं क्योंकि अगर होता तो वही को कहते प्रचिता से पुत्रो हम श्लोकित है वाल्मीकि रामायण आपकी रंबलिंग वॉइस थी हाँ आपकी वॉइस रंबलिंग थी जैसे प्रकट हुआ था ना रंबलिंग वॉइस आज सारा तो दीदी और हमारे इतने सारे कैसे हो सकता है सारे भाई ठाकुर जी के दर्शन चलते हैं।